बीते दिनों एक युवक द्वारा कई युवतियों से लगभग करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर युवक की पत्नी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्नी का आरोप है कि उसके पति मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिलाएं एक साजिश के तहत रैकेट का संचालन कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पत्नी द्वारा मुकदमे की निष्पक्ष जाँच कराने के लिए गुहार लगाई गयी है। वीडियो में दिखने वाली इस महिला का नाम भावना है। भावना जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली है। सतोलाला रेस्टोरेंट कोठी मीना बाजार पर मौजूद भावना अपने पति और अपने परिवार के साथ आप बीती मीडिया को बता रही हैं। दरअसल मामला ताजनगरी में कुछ दिन पूर्व का है, जहां चार महिलाओं ने आगरा के संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित महिला भावना के पति मोहित पर गंभीर आरोप लगाए। गबन के आरोपी मोहित की पत्नी भावना का कहना है कि इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है और आत्महत्या के कगार तक पहुंच चुका था। महिलाओं का कहना था कि मोहित नाम के शख्स ने एफवी के जरिए उच्च परिवार की महिलाओं से दोस्ती की, मानसिक शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेलिंग की। जनपद आगरा के रकाबगंज थाना में पीड़ित महिला की तहरीर पर मोहित के खिलाफ धारा 406 यानी गबन का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भावना का आरोप है कि उसके पति मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिलाएं एक साजिश के तहत रैकेट का संचालन कर रही हैं। भोले भाले युवाओं को एफवी, मैसेंजर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोहजाल में फंसाती हैं, फोटो और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू करती हैं। वहीं पीड़ित भावना ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज भी रखे हैं, जहां भावना का आरोप है कि आरोप लगाने वाली चार महिलाओं में से एक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, जिसका 2.5 लाख रुपए में लिखा पढ़ी में समझौता हुआ। उसके बाद एक और शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 7.5 लाख रुपए में लिखा पढ़ी में समझौता हुआ। पीड़ित भावना का कहना है कि रकम ऐंठने का ये सिलसिला अभी रुका नहीं, बस्तूर जारी है। चारों महिलाओं में से एक महिला ने फिर एसपी सिटी आगरा के यहाँ लिखित शिकायत की, जिसकी जांच और समझौते की अवज में महिला ने लिखा पढ़ी में 26.5 लाख रुपए रकम वसूली। पैसे की और मांग पूरी न होने पर भावना के पति मोहित पर रकाबगंज थाना में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। आजकल आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप, ये जो मेरा केस है कुछ इसी तरीके से है। ये 4-5 महिलाओं का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक चलता है। इसमें नीना दास नाम की एक लड़की है, औरत है, जिसकी आयु कम से कम लगभग 50 से 55 वर्ष होगी, जो दिल्ली में रहती है। इसने मेरे पति से फ्रेंडशिप पे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंध बने, धीमे धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पति को ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए अपने पति के साथ इंस्टाग्राम पे लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविडेंस है। पीड़ित भावना ने मीडिया के सामने व्हाट्सएप के कुछ चैट भी उजागर किए हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा मोहित को उकसाना और जबरन पैसे की मांग के संबंध में चैटिंग नजर आ रही है। मीडिया के सामने आप बीती और सच्चाई बताने वाले मोहित की पत्नी और पीड़िता भावना ने साफ कहा है कि उन्होंने एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई है। सारे दस्तावेज उन्हें सौंपे जाएंगे, दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगाई जाएगी। इसका समझौता होने के बाद नीना दास से मेरे पति की फ्रेंडशिप खत्म हो गई। फिर सन 2021 में नीना दास का मेरे पति के पास मैसेज आया कि मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो। मेरे पति ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने फिर से एक FIR डाली थी, मतलब झूठा मुकदमा वहाँ पे दिया। उसके बाद जब इनका सब कुछ खत्म हो गया तो ये आगरा की रहने वाली रिश्का बिल्डानी के साथ आई। उन्होंने भी यही गेम खेला कि एक से पैसे लेने के बाद ये दोनों साथ में आए। रिश्का ने बोला कि मोहित शर्मा ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मुझे नशीले पदार्थ में घोल, मतलब पानी में घोलकर नशीला पदार्थ दिया है, जिसको पीने के बाद मुझे बेहोशी हो गई थी, मेरे साथ रेप किया, ये किया। ऐसे ही रिश्का ने भी पहले तो हम लोगों से, मतलब मेरे पति से पैसे लिए कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो, मतलब तुम मेरा ये कर दोगे वो कर दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। समाज के डर की वजह से और जेल जाने की डर की वजह से मेरे पति ने इनको एक बार में 2.5 लाख रुपए, दूसरी बार में इनके पति के सामने 7.5 लाख रुपए दिए थे। इस कहानी में सब गोलमाल है, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप है। एक तरफ मुकदमा दर्ज है तो दूसरी तरफ आरोपी पर दर्ज मुकदमे की पत्नी ने मीडिया के सामने दस्तावेज सौंप कर खलबली मचा दी है। पर अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।